तेलंगाना वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम आज हज कमेटी के इंतखाब में बिला मुकाबला सदर नशीन के लिए मुंतखब हो गए। तमाम 14 अरकान ने मोहम्मद सलीम को बिला मुकाबला सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मुंतखब कर लिया है। वाज़ेह है कि दो दिन कबल हुकूमत ने हज कमेटी की तश्कील जदीद करते हुए 14 अरकान को शामिल किया था। मोहम्मद सलीम हज कमेटी के सदर नशीन मुंतखब होने पर इनको तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, MLC फारूक हुसैन, रुकन असम्बली मजलिस जाफर हुसैन मेराज और दीगर मौजूद थे। अभी सदर साहब और तमाम मेम्बरान मिलकर बहुत अच्छी तरीके से हजों की खिदमत करेंगे। जितने हजों का हम पर ड्रा हो चुका है उन तमाम को जिस तरह भिजाना है, जैसा जैसा फ्लाइट से इंतजाम है वहाँ जाएंगे, छोड़ेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से खिदमत करते हैं। अच्छे से अच्छा जो है ना 5-स्टार टाइप में हज हाउस बनाने का भी नुमाइंदगी CM साहब से भी करेंगे और CM साहब भी उसको नहीं बोल के नहीं बोलते, क्योंकि CM साहब हमारे सेकुलर CM है। मुस्लिम सिख ईसाई लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही है, KCR साहब की गवर्नमेंट, TRS गवर्नमेंट और महमूद भाई की सरपरस्ती में हम होम मिनिस्टर साहब की सब मिलके एक अच्छा टीम वर्क करके हज